हेलो फ्रेंड्स, आई एम नितेश प्रधान, अ लैब व्यू ट्रेनर। और आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ क्लैड एग्ज़ाम के बारे में। क्लैड एग्ज़ाम, जिसका फुल फॉर्म है सर्टिफाइड लैब व्यू एसोसिएट डेवलपर, ये एग्ज़ाम नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स कंपनी अपने लैब व्यू और फोटो बेस्ड चीज़ों मटेरियल स्टडी मटेरियल पर तैयारी करती है। तो आज मैं उन्हीं कोर वन और कोर टू बेस्ड स्टडी मटेरियल से वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जो आपके क्लैड के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, जिसके थ्रू से हमें पता चल जाएगा कि हमें एक फोकस्ड वे में और एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में तैयारी कैसे करनी है। और फोटो के एग्ज़ाम के टॉपिक को मुझे कंपाइल करना पड़ा, क्योंकि कई बार एरर कोर वन में भी आप पढ़ते हैं और कोर टू में भी पढ़ते हैं। जब आप कोर वन में पढ़ रहे होते हैं तो कोर टू में जो एरर है उसके बारे में आपको पता नहीं आता, और जब आप कोर टू में पढ़ते हैं और जब आपको कोर वन के एरर के बारे में पता है, तो आपके बीच में, आपके दिमाग के में दोनों कॉन्सेप्ट के बीच में एक डिफरेंसेस पैदा हो जाता है। आप सोचते हो कि यहाँ पर भी है, वहाँ पर भी है, इसको पढ़ा कैसे जाए। इन चीज़ों को सॉर्ट करने के लिए मैंने ये वीडियो लेक्चर बनाया है, जिसके थ्रू से आपको पता चलेगा कि हमें कौन कौन से टॉपिक पर पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक पर कितना टाइम देना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा मेन टारगेट क्या है? क्लैड एग्ज़ाम क्लियर करना। क्लैड एग्ज़ाम क्या है? ये लैब व्यू बेस्ड एक एग्ज़ाम है जो नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स कराते हैं। इसके बाद हम CLD और CAD के लिए जाते हैं। ओके, अब जो हमारा एग्ज़ाम है उसके कुछ मेन आउटलाइन ये हैं। मेन आउटलाइन बोले का मतलब ये है कि हमारे पास जो ये 9 कंपोनेंट्स हैं, जो हमारे कंटेंट हैं, इन्हीं के अंदर से ही लैब व्यू का क्लैड एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर बनता है, जिसमें से सबसे पहला है लैब व्यू प्रोग्रामिंग एंड प्रिंसिपल। लैब व्यू प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल जो है, यहाँ पर हमारे लैब व्यू के प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना होता है, पूरी प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर के बारे में। लैब व्यू एनवायरनमेंट, लैब व्यू एनवायरनमेंट जो लैब व्यू सॉफ्टवेयर नेशनल इंस्ट्रूमेंट से बनाए हैं, उसके बारे में, लैब व्यू सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट के बारे में, कि सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीज़ अपेयर होते हैं, क्या क्या चीज़ प्रेजेंट हैं, उसके टूल बार्स वगैरह के बारे में, उसके कंट्रोल शॉर्टकट्स वगैरह के बारे में हम स्टडी करते हैं। उसके बाद थर्ड है मेरा डेटा टाइप, सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्ट एंड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, इसमें हमारे डेटा टाइप आ जाते हैं, जैसे हमारे न्यूमेरिक, क्लस्टर, स्ट्रिंग टाइप ऑफ डेटा टाइप, और हमारे यूजर इंटरफेस वगैरह आते हैं कि हम किस प्रकार से, जैसे कि वेरिएबल, सॉरी, यूजर इंटरफेस में हमारे आ जाएंगे, जैसे हम फ्रंट पैनल में कोई चीज़ बना रहे हैं तो उस किस प्रकार से देखते हैं, उसमें किस प्रकार से चेंज करते हैं, समथिंग लाइक अ प्रॉपर्टी नोट काइंड ऑफ थिंग्स इसके अंदर आ जाएंगे। उसके बाद वेरिएबल और फंक्शंस है। आप जानते हैं कि वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल एक मेमोरी लोकेशन होता है जो कि आपका लैब व्यू प्लेटफॉर्म क्या करता है, अलाउ करता है। और फंक्शन मतलब कि मेरे एक्सप्रेस वीआईएस वगैरह जो हैं, और जो मैं छोटे छोटे फंक्शंस होते हैं उनका यूज़ करता हूँ, सिंपली डी एंड पैटर्न। एक डी एंड पैटर्न का हमारा लैब व्यू एक डेटा फ्लो प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म है, तो वो हमारे एक डी एंड पैटर्न को बनाने में हेल्प करता है, फॉलो करता है। सब वी आई डी एंड, हम जो सब वी आई बनाते हैं, सब वी आई क्या होता है, वी आई विद इन अ वी आई को हम सब वी आई बोलते हैं, कि हमारे वी आई के अंदर किसी दूसरे वी आई को। ये सब वी आई क्या होता है, आप जैसे सी वगैरह में पढ़े होंगे कि आप एक फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, डिफाइन करते हैं और बना, ठीक है, उसके बाद आप उसे प्रोग्राम में कॉल करते हैं। ऐसा ही ये भी एक मतलब कि मेमोरी एड्रेसेबल बनाया जाता है लैब व्यू के थ्रू से, जिसको आप अपने प्रोग्राम्स में और अलग अलग प्रोग्राम्स में कॉल कर सकते हैं। उसके बाद वी आई डी एन एंड डॉक्यूमेंटेशन। वी आई और डॉक्यूमेंटेशन क्या है, ये एक ऐसा कंटेंट है, ये एक ऐसा पार्ट है जहाँ पर हम स्टडी करते हैं कि हमारा जो सब वी आई है, या हमारा जो वी आई है, या हमारा जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन कहाँ लिखे हैं, इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन किस प्रकार से अपेयर हो, अगर हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर हमें इन्फॉर्मेशन मिल रहा है तो किसके थ्रू से इन्फॉर्मेशन रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में। और डेफिनेटली सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हर चीज़ में एरर, एरर हैंडलिंग। एरर क्यों? क्योंकि आप जितना भी अच्छा प्रोग्राम बना लें, जितना भी प्रिसाइज प्रोग्राम बना लें, जितने भी आप क्वालिटीफुल प्रोग्रामर हो, आप प्रोग्राम को देख के उसके एरर नहीं बता सकते। कई बार प्रोग्राम हमारे सिंटेक्स के एरर या हमारे डिजाइनिंग के एरर के हिसाब से नहीं होता, फिर भी जो एरर होता है वो प्रेजेंट होता है हमारे इनसफिशिएंट डेटा वगैरह के कारण से होता है, हमारे कोई गलत वायरिंग के कारण से हो सकता है। और जब एरर होता है तो एरर डीबग टीम के लिए जो टूल्स हैं और जो टेक्निक्स हैं, ये हमारे 9 टॉपिक्स हैं जिसके अंदर से ही क्लैड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अब हम हर एक टॉपिक को ब्रीफली देखते हैं। पहला है लैब व्यू प्रोग्रामिंग एंड प्रिंसिपल। लैब व्यू एक डेटा
फ्लो प्रोग्रामिंग बेस्ड प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मेरा जो भी प्रोग्राम है वो रन करता है, तो वो डेटा फ्लो मतलब कि लेफ्ट टू राइट आपके प्रोग्राम रन होंगे और तभी रन कोई भी नोड एग्जीक्यूट या फंक्शन एग्जीक्यूट होगा जब उसे उसके अप्रोप्रिएट सारे इनपुट मिल जाएंगे। उसके बाद पॉलीमॉर्फिक फंक्शन, पॉलीमॉर्फिक फंक्शन का मतलब होता है कि डिफरेंट डेटा टाइप्स के बीच में कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए अलाउ करना, ये पॉलीमॉर्फिक फंक्शन कहलाता है। जैसे कि आप एक एरे और एक न्यूमेरिक के बीच में एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, इस प्रकार के फंक्शन को पॉलीमॉर्फिज्म बोला जाता है। लैबव्यू एनवायरनमेंट, अब लैबव्यू एनवायरनमेंट में क्या है, फ्रंट पैनल है, डायग्राम है, ये आपका मेन्यू है, ये पैलेट्स हैं, कनेक्टर पैंस आइकॉन्स है, कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस वगैरह हैं, ये सभी लैबव्यू एनवायरनमेंट में आते हैं। अब हमारा मेन जो टॉपिक है वो ये है, डेटा टाइप सॉफ्टवेयर कॉन्स्ट्रक्ट एंड यूजर इंटरफेस एलिमेंट्स। तो ये मेरा डेटा टाइप, हमारे डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं, जैसे न्यूमेरिक हैं, स्ट्रिंग है, बुलियन है, ये सभी डेटा टाइप हैं। तो इन डेटा टाइप्स की रेंज, इनके फॉर्मेट, इनके रिप्रेजेंटेशन, इसकी स्केलिंग और इनमें कॉरिजन, कॉरिजन मतलब क्या होता है कि दो मतलब कि डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन हो सेम डेटा टाइप में तो वहाँ पर कॉरिजन पैदा होता है, मतलब कि जिसकी मेमोरी लोकेशन एलोकेशन ज़्यादा होगी जिस और एक का मेमोरी एलोकेशन कम होगा, तो जिसका मेमोरी एलोकेशन ज़्यादा है उसमें छोटे वाले का क्या हो जाएगा, बड़े वाले में ट्रांसफर हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। उसके बाद टाइप डिफाइन है, स्ट्रिक्ट टाइप डिफाइन और GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एलिमेंट, इसमें पैलेट्स हैं, चार्ट्स हैं, ग्राफ्स हैं, मैकेनिकल एक्शन वाले, बुलियंस हैं, बुलियन मतलब कि वही स्टार्ट स्टॉप वाले कॉन्सेप्ट, प्रोग्राम कंट्रोल स्ट्रक्चर एंड डेटा स्टोरेज, इसमें फॉर लूप एंड व्हाइल लूप है जो प्रोग्राम कंट्रोल करते हैं, केस स्ट्रक्चर है, सिक्वेंस स्ट्रक्चर है जो हमारे केस और सिक्वेंस के अकॉर्डिंग प्रोग्राम को रन होने देते हैं। उसके बाद इंडेक्सिंग ऑफ लूप बाउंड्रीज, इंडेक्सिंग ऑफ लूप बाउंड्रीज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है क्योंकि इसके थ्रू से हमारा जो है लूप में हर एक आइटरेशन में जो प्रोग्राम जनरेट हो रहे हैं वो हमें एक एरे के फॉर्मेट में मिलते हैं, या हम किसी एरे के हर एक एलिमेंट्स को प्रोसेसिंग के लिए लूप में लेके जाते हैं। ओके, फिर मेरा डेटा स्ट्रक्चर जिसमें स्केलर, एरे, क्लस्टर और वेबफॉर्म टाइप के डेटा स्ट्रक्चर के बारे में हम स्टडी करते हैं। उसके प्रॉपर्टी नोड्स, अब मेरा आ गया वेरिएबल एंड फंक्शन। वेरिएबल में हम ग्लोबल और ग्लोबल VI और फंक्शंस VI, फंक्शंस VI एंड एक्सप्रेस VI, इन सभी के बारे में स्टडी करेंगे। तो फंक्शन में न्यूमेरिक, बुलियन और स्ट्रिंग फंक्शंस हैं, क्लस्टर है, टाइमिंग, फाइल इनपुट आउटपुट एंड वेबफॉर्म, ग्राफ एंड चार्ट, ये सभी मेरे वेरिएबल फंक्शंस में आएंगे। और सिंपल DN पैटर्न, सिंपल DN पैटर्न भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से बहुत ही ईजी क्वेश्चन आते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन जो है सिंपल DNN पैटर्न से आएंगे, पर सिंपल DNN पैटर्न से हर बार एक क्वेश्चन आना जरूरी है। पैरेलल लोड, मल्टीपल केसेस एंड स्टैंडर्ड स्टेट मशीन, कई बार स्टेट मशीन दे दिया जाता है और बोला जाता है कि ये कौन सा DNN पैटर्न है, और स्टेट मशीन को समझने का तरीका क्या है, उसमें एक क्या होगा की स्ट्रक्चर होगा, उसमें एक इनम टाइप डिफाइन इनम होगा, उसमें एक क्या होगा शिफ्ट रजिस्टर होगा और एक वाइल लूप, ये चार कंपोनेंट अगर हैं तो स्टेट मशीन एल्गोरिथम है। उसके बाद मेरा सब VI, सब VI हम कैसे सब VI क्रिएट करते हैं, उसके बाद उसके लिए सूटेबल कनेक्टर पिन और आइकन कैसे डिफाइन करते हैं, उनको कनेक्ट कैसे करते हैं, और उस और सब VI को यूज़ कैसे करते हैं, ये सभी कॉन्सेप्ट सब VI में आएंगे। सब VI उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हाँ इसको भी पढ़ना जरूरी है। VI एंड डॉक्यूमेंट, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोनों जो ऊपर दिख रहे हैं, एरर हैंडलिंग और सब VI। एरर हैंडलिंग से हर साल एक से दो क्वेश्चन जरूर आएंगे, एक से दो क्वेश्चन तो एरर हैंडलिंग से आएंगे। प्रॉपर एरर हैंडलिंग एंड एप्लीकेशंस, केस स्ट्रक्चर की तरह से एरर VI एंड सब VI कनेक्टर्स, ठीक है एरर, तो एरर से हमेशा मेरे से दो से तीन क्वेश्चन मैक्सिमम आएंगे और मिनिमम भी यही नहीं हो सकता है। ओके, अब VI डॉक्यूमेंटेशन, लैबव्यू का स्टाइल है, स्टाइल गाइड, ठीक है, यूजर इंटरफेस एंड ब्लॉक डायग्राम लेआउट्स वगैरह को चेंजेस करना है, इसके मॉड्यूलर और हेरिडेटरी DNN अगर आपको बनाना है, हायरार्की मॉडल्स का जो DNN बनाना है, सब VI आइकन्स एंड कनेक्टर पिंस लेआउट, सब VI का जो आइकन है और कनेक्टर पिंस के लेआउट ऊपर स्टैंडर्डाइज करना, VI की प्रॉपर्टीज वगैरह को चेंज करना, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह VI की प्रॉपर्टीज में जाकर स्टडी करना, ये सभी उसकी डॉक्यूमेंटेशन एंड सब DNN में आता है। उसके बाद डीबगिंग फंक्शन एंड डीबग डेटा, फंक्शन ऑफ डीबग डीबगिंग टूल्स, फंक्शन ऑफ डीबगिंग टूल्स क्या होता है कि हमारे जो फंक्शन है उसे डीबग करने के लिए, डीबग मतलब एरर को फाइंड करके एरर को हटाने के लिए कौन कौन से टूल्स यूज़ कर सकते हैं, डीबगिंग पार्टिकल्स एंड टेक्निक, डीबग हाँ डीबगिंग प्रैक्टिस एंड टेक्निक्स, कि डीबगिंग के लिए हमें
कौन कौन से टेक्निक यूज़ करना पड़ता है और डिबगिंग कैसे करें। इसके बाद तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें और होते हैं, मैथ स्क्रिप्ट नोट, फार्मूला नोट एंड कन्वर्सन राइट अप। इन चीज़ों से मेरे एक मेरा सब पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट रेडी होता है और इन्हीं के अंदर से ही इन्हीं टॉपिक को ब्रीफली पढ़ना पड़ेगा। अब आप देखिए, आपको बहुत ज़्यादा इवेंट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको अब इसको एक ब्रीफली आप 10 से 15 जो आपके छोटे छोटे मॉड्यूल्स बन रहे हैं 9 मॉड्यूल्स के अंदर, उनको आप ब्रीफली स्टडी कीजिए। हर दिन एक मॉड्यूल्स को अगर आप लगाते हैं या एक मॉड्यूल्स को अगर दो दिन लगाते हैं, या जो 9 मेरे पास मॉड्यूल्स हैं हर मॉड्यूल्स को अगर आप दो से तीन दिन लगाते हैं, दो से तीन दिन, तो एक महीने में आप क्लैट की तैयारी के लिए बहुत ही अच्छा समय निकाल लेंगे। और ज़्यादा नहीं, दिन में 2 से 3 घंटा बस निकालिए, आराम से आप एक महीने में क्लैट निकाल लेंगे। थैंक यू।